वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो रिसेंटली देख सकते कि जीटेल इंफ्रा में फिर से गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो यानी कि जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का बात की जाए तो यहाँ पे आज देख सकते 5 पैसे की गिरावट, तकरीबन जैसे ओपन हुआ था तो लो सर्किट लग चुका था। 3.45% की गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि 1.40 पे क्लोजिंग दे चुका है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन ओपन हुआ था 1.40, हाई बनाया था 1.45 का और लो है 1.40 का। तो मार्केट कैप भी देख सकते 1.72,000 करोड़ की हो चुके हैं। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कॉटो बुक के नतीजे इतने खास नहीं रह चुके थे, तो भी यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रही थी, पर यहाँ पे देख सकते फिर से गिरावट देखने को मिली है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे आप देख सकते लो सर्किट लगना चालू हो चुका है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो मंथली रजिस्टर 1 को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, पर कल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उसी गिरावट में देख सकते हो फिर से 1.45 को ब्रेक करके नीचे आज क्लोजिंग दे चुका है 1.40 पे। कल गैप डाउन से ओपन होता है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। गैप सेम लेवल पे ओपन होता है तो बाउंस बैक होने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जो 1.40 लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव लेवल है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। इसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते कि वो लेवल जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले आने वाले समय में। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।